नहीं चढ़ रही भाई ये। ये रोड नहीं मेरे यार, जन्नत है जन्नत। क्या मस्त रोड है रे बाबा, मजा आ रहा है भाई। पूरी बॉडी एक्सरसाइज हो रही है इस रोड पे। तो शाबाश शाबाश, चल 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 चल। तो यार पीछे दो आंटी मिली थी, उन्होंने उनसे पूछा हमने, उन्होंने बताया कि भैया ये रास्ता तो ऐसा ही है। ओहो, यार ये तो रास्ता बन लिखा है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सनराइज आई एवर सीन इन माई लाइफ। ये लीजिए जी, वर्ल्ड फेमस पैंगोंग लेक आपकी आंखों के सामने। जहां तक देखोगे वहां तक आपको लेक दिखेगी। तेरे को तभी तो कहता था पीछे चल, साला गोलीबाजी जू करके चल रहा है, ना पीछे देख रहा है ना आगे कोई है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नोब्रा। तो इस वक्त हम लोग उठ चुके हैं, सुबह के 5:30 हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग को निकलना है फटाफट। निकलना इसलिए क्योंकि रास्ते में आज बहुत वाटर क्रॉसिंग मिलने वाली है, बहुत ऑफ रोड मिलने वाला है। तो इसलिए फटाफट से रेडी होते हैं और निकलते हैं। मैं तो नहा धो के तैयार हो गया हूँ, बाकी सामान पैक्ड है फटाफट से। ये रहा, और अमित भी रेडी हो जाएगा, फिर निकलते हैं आधे घंटे में ऐसे। मैक्स हम लोग निकल जाएंगे क्योंकि ज़्यादा देर नहीं करेंगे। सूरज देवता ज़्यादा जल्दी प्रकट हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो रेडी हैं, मिलते हैं आपको सीधा बाइक पे। तो जी ये थी हमारी कल की प्रॉपर्टी जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। ये रहा मेन रोड यहाँ का, और इससे हम लोग अंदर आए। बाइक हमारी यहाँ पे पार्क थी और हम लोगों ने स्टे किया था अंदर। तो ये हमने फ्यूल अप कर लिया गाड़ी में और तेल भरा लिया। एक एक्स्ट्रा जेरी कैन भी रख लिया क्योंकि रास्ते में हो सकता है कहीं पर पेट्रोल पम्प नहीं मिला, जैसा कि सुनने में आया कि पेट्रोल पम्प है नहीं रास्ते में ना। क्योंकि आज तो दिक्कत नहीं होगी, आज तो पहुँच जाएंगे, लेकिन कल जब हम निकलेंगे पैंगोंग से चांगला होते हुए ले, तो उस रास्ते में पेट्रोल पम्प नहीं है ऐसा सुनने में मिला हम लोगों को। तो इसलिए हम लोगों ने इस पेट्रोल को एक्स्ट्रा जेरिकन रख लिया 5 लीटर का, तो इससे काम हो जाएगा अपना। नहीं होगा तो फिर देख लेंगे, धक्का मारना पड़ेगा तो मार लेंगे भाई, लेकिन सांसें फूल जाती हैं भाई यहाँ थोड़ा सा भी। अगर आप चलो ज़्यादा ना, थोड़ा वर्कआउट कर लो, मतलब क्या कहते हैं, तो बाइक भी अगर आप घुमा रहे हो आगे पीछे तब भी आपकी सांसें फूलने लग जाएंगी भाई। इस स्मूथ सीधी सीधी रोड के साथ साथ अगल बगल आप देख रहे हो डेजर्ट है, और ऊपर जो पहाड़ इसके उसमें चार चांद लगा रहा है ना, और धूप सूरज देवता भी ऊपर पहुंच चुके हैं। तो ये है यहाँ का हाल फिलहाल। सामने आपको पहाड़ दिख रहे हैं वो भाई, बहुत ठंडी हवा आ रही है वहाँ से यार, मतलब फ्रोजन हो गए हाथ 2 मिनट के लिए, मतलब फ्रोजन हो चुके हैं अच्छे से। ठंड है भाई वाकई में। तो जी आ गया रास्ता, यहाँ से एक राइट को कटेगा जो खारदुंगला होते हुए ले की ओर जाएगा। खारदुंगला और ले की ओर जाएगा, और एक रास्ता लेफ्ट को कटेगा, यहाँ पे लिखा है पैंगोंग और खारदुंगला। तो पैंगोंग के लिए हमें होना है लेफ्ट, जैसे यहाँ पे सामने लिखा हुआ है। ओ इधर आ, ये रास्ता तो बंद कर रखा है। यार यहाँ पे तो लिखा आगे सड़क करने वास्ते पैंगोंग लेक जाने के लिए टी मोड़ से जाएं, कौन सा टी मोड़ आ गया यार। तो यार अभी पीछे थोड़ा सा हमारे साथ पोपट हो गया, वो रास्ता पैंगोंग लेक जाता था बट वो बंद है, पता नहीं किस कारण से, क्योंकि उसमें ब्लॉकेज है या फिर क्या काम चल रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, चल चल चल। ओके तो हमें जाना उस साइड है, वहाँ पे गाड़ियाँ भी दिख रही हैं एक आध झाड़ियों के पास, तो हमें जाना उस साइड है। चलो देखते हैं, वो तो अभी आगे जाके पता चलेगा कैसा रास्ता है, कहाँ से मुड़ना है, और आपको बता भी देंगे कि एग्जैक्टली कहाँ से मुड़ना है। इस रास्ते से मत जाना क्योंकि रास्ता बंद है। तो जी ये रास्ता आता है सीधा सुमुर की ओर जाएगा, और ये रास्ता आपका जाएगा सीधा पैंगोंग लेक की ओर। तो हम लोग बहुत आगे चले गए थे यार, हमारा फालतू में मतलब आधा घंटा तो वेस्ट वही है, और साथ में आओ चौधरी साहब हमारा हमारा आधा पौना घंटा तो वेस्ट हुआ है, साथ में 18-20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल चुके हम लोग। ये बड़ा बुरा लगता है मेरे को ट्रिप पे ना, इन
रोडों को देख के तो भाई कुछ कहना ही नहीं आ रहा, पता नहीं रोड कहाँ से सही होगी, भगवान जाने भाई, चलते रहो वाला हिसाब है भाई, बस चलते रहो। इतने बड़े बड़े पत्थर इंजन में लग रहे हैं भाई, खाट खाट करके दर्द सा हो रहा है। अब ये पहुंचे हम किसी ब्रिज के ऊपर, अब ये ब्रिज पता नहीं कहाँ कनेक्ट कर रहा है, पता नहीं रोड ठीक है क्या आगे, नहीं भाई ऐसा रोड भी होगा चलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो मिट्टी पत्थर गड्ढे वाला रास्ता बड़ा दिमाग खराब कर देता है भाई। इतनी धूल मिट्टी हुई, न्यूट्रल का एन नहीं दिख रहा है मुझे। ओए होए होए होए, बाइक लगाओ साइड में भाई। ओए खतरनाक रोड थी भाई, अभी तक रोड थी बवासीर थी, अभी तो रोड थी बवासीर थी वो। तो ये रास्ता जाता है पेंगोंग की ओर को, शो के यहाँ से 45। अब चलो यार आगे, अभी भी एक बहुत बड़ी सूचना मिली है कि आगे बहुत ख़तरनाक वाटर क्रॉसिंग है, दो तीन लोग खड़े हो गए वहाँ पे, तीन बाइकर्स भी खड़े हैं क्योंकि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया ऐसा सुनने में आया है। बाकी देखते हैं यार, हम लोग अगर कुछ कर पाएंगे तो हम ज़रूर करेंगे। 30 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो अभी हो रहा है 405, यानी कि 35 पे जब हम पहुंच पाएंगे तो 30 किलोमीटर दूर हमें वो वाटर क्रॉसिंग मिलेगी। तो सुनने में आया था कि बड़ी गाड़ियां बिल्कुल भी नहीं निकल पा रही हैं क्योंकि बड़े बड़े पत्थर फंसे हैं उस पानी में। और यार आगे जाके देखो अब कहाँ तक ऐसी रास्ता मिलता था, बट अब फिर से ख़राब हो गया। भाई पोपट हो गया बहुत बड़ा, 5 लीटर का खेले का जेरिकन कहाँ है भाई, जेरिकन गिर गया भाई, पता नहीं क्या, ये बोतल निकली लेकिन जेरिकन गिर गया भाई, पता नहीं कहाँ। और कुदाने से, कुदाने से नहीं हुआ यार, वो कहीं पे गिर गया होगा, तेरे को तभी तो कह रहा था पीछे चल, साला गोली बाजी जू करके चल रहा ना, पीछे देख रहा ना आगे कोई है, पीछे कोई मतलब थोड़ा है तुमको। चलो यार चला जाए, पोपट हो गया पीछे, नहीं कोई फायदा है नहीं, 15-20 किलोमीटर जाने कहाँ गिरा होगा, कोई पता नहीं है भाई, अब आगे गिरा पीछे गिरा, किसको मिला किसको नहीं मिली, भी क्या होता है इसने डाल लिया होगा गाड़ी में अपने आप। भाई धूल से हालत ख़राब हो गई है और चपत लग चुकी है 500 रुपये की, 100 रुपये का गैलन और 400 रुपये का तेल, कोई नहीं चलो क्या कर सकते हैं, अब बढ़ते हैं आगे को धीरे धीरे। चलो चौधरी साहब धीरे धीरे बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, और डोंट बी ए गामा इन द लैंड ऑफ लामा, वाह वाह 500 रुपये की चपत लग चुकी है भाई, कोई नहीं चलो क्या कर सकते हैं, गिर गया तो गिर गया, पीछे आना तो बेकार ही है, किसी को मिल गया 100%। तो यार कुछ इस तरह का ऑफ रोड है, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ फ्लो फ्लो, ठीक ठाक निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बढ़िया। ओए 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 ओए, चल तो बिल्कुल नदी के बगल में ही आ गया भाई, मुझे लगता है आगे जाके पक्का कहने कहीं पे होगा क्रॉसिंग एक और, क्योंकि जिस हिसाब से नदी आ रही है ना वो हिसाब से देख के लग रहा है कि कहीं ना कहीं पे एक और क्रॉस होगा पक्का। ये देखो
क्योंकि आई थिंक वहाँ पे मुझे लग रहा है कहीं पे कुछ होगा पक्का। ब्रिज हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी भाई। ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं ना, इनमें गाड़ी की ग्रिप्स थोड़ी ठीक रहती है। मिट्टी वाले रास्ते में तो भाई धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर वही संभालने में रह जाते हैं हम लोग। शोक बचा है ऐसे 15 किलोमीटर और दुर्भुग है 33 किलोमीटर। आई थिंक हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं जहाँ पे खतरनाक वाला था सीन। देखो रोक ही रहा हूँ भाई, थोड़ा 4x4 आई है, रस्सी उसमें फंसाएगी और उस गाड़ी को पीछे खींचा जा रहा है। अब देखते हैं कि खींच पाते नहीं खींच पाते, क्योंकि रस्सी मुझे ऐसी लग रही है। रस्सी खुल गई, आजा आजा। इस साइड से ले, इस साइड को डाल, चल भाई। ये चढ़ने में इतनी आवाज आ रही, मेरी कैसे चढ़ेगी? नहीं नहीं नहीं, रुक जा रुक जा। आप दोगे भाई? माना हाल है, माना। नहीं नहीं नहीं, रुक जा। हाँ शाबाश शाबाश, चल 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 चल, बस भाई टफ था। क्या हुआ, निकल तो गया वो? छोड़ छोड़ निकल जाएगी यार, धक्का दे देंगे वो। अरे भैया फिर फंसाओगे आप यार। यहाँ पे फंस गई भाई अभी। उसको निकालने दो यार। सो यार फाइनली उस जंजाल से निकले, खतरनाक था। चलो यार, तो चलो बढ़ते हैं आगे को। बहुत ख़तरनाक पैस था भाई ये तो, उम्मीद नहीं थी कि ऐसे निकल जाएगी धन्नो, लेकिन धन्नो ने पूरा साथ दिया भाई, मज़ा आ गया भाई। तो जी हम पहुंच चुके हैं शोक गांव, और यहां से पेंगोंग का रास्ता बिल्कुल सीधा है। अभी पीछे एक टी पॉइंट आएगा, वहां से लेफ्ट को अगर आप लेंगे तो दुर्बुंग वगैरह को चले जाएंगे, और सीधे लेंगे तो पेंगोंग की ओर को चले जाएंगे। तो ये रास्ता पेंगोंग की ओर जा रहा है। अच्छा गाँव भाई, हरियाली इस गांव में। दुर्बुग 17 किलोमीटर। 1 hour later तो यार हम रुके थे तांगसे में, और यहाँ पर राजमा चावल और दाल चावल खाए हम लोगों ने। और अब धीरे धीरे बढ़ते हैं यहाँ से पेंगोंग की ओर। यहाँ से पेंगोंग है 35 किलोमीटर,
और यहाँ पे है वर्ल्ड का हाईएस्ट रिटेल आउटलेट मतलब पेट्रोल पंप 12,933 फीट पे। ये कल आपको आते हुए दिखाएंगे क्योंकि कल हम पे भरेंगे तेल ले जाने के लिए। तो फिलहाल ऐसे निकलते हैं 35 किलोमीटर लेकिन पूरा ऑफ रोड है, 1 घंटा लगेगा और थोड़ी बहुत वाटर क्रॉसिंग भी है ऐसा सुनने में आया है। लेट्स सी। चलो गुरु फिर बढ़ते हैं पैंगोंग की ओर। 35 किलोमीटर पूरा रास्ता ऐसे ही ख़राब है यार गाइस, अभी तक कुछ भी नहीं तो हम 50-60 किलोमीटर तक ऐसे ही ख़राब रोड पे चला चुके होंगे सुबह से। मतलब ये है कि हाँ ख़राब तो है भाई, चलना है तो इसी पे चलना है वाला सीन हो जाता है भाई। यहाँ फिर प्योर ऑफ रोड है भाई, मतलब ऐसी मिट्टी और बजरी जो है ना इसमें मिक्स है, तो ये लगभग 35 किलोमीटर का पैच ऐसी है कुल। अभी बताया था किसी ने पीछे कि 35 किलोमीटर और है पैंगोंग वहाँ से, तो एग्जैक्टली 35 किलोमीटर से कुछ ऐसा ही पैच है। और आप नज़ारों के मजे लो यार, बहुत हो गए रोड 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 रोड, दिमाग ख़राब हो गया। तो फिलहाल आप रोड के मजे लो, सॉरी फिर रोड, तो आप नज़ारों के मजे लो। देखो पहाड़ वही हैं, मौसम चेंज हो गया गुरु। अब हम पहुँचेंगे आज पैंगोंग लेक। अच्छा कहते हैं कि 70% चाइना के पास है और 30% भारत के पास है, क्या ये सच है? अगर ये सच है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए मुझे। ये लीजिए जी वर्ल्ड फेमस पैंगोंग लेक आपकी आंखों के सामने, जहां तक देखोगे वहां तक आपको लेक दिखेगी। मतलब क्या ही कहने यार, इतनी ऊंचाई पे ऐसी लेक भी है, वो भी सॉल्ट लेक, सोचने वाली बात है भाई थोड़ा सा। हाँ हाँ जी, तो पहुंच चुके हैं हम पैंगोंग लेक और हम लोगों ने ले लिया यहाँ पे एक कैंप, और रास्ता बहुत बेकार था आज का हम लोगों ने देखा। तो अभी हम लोगों ने, मैंने तो बड़े नहा धो लिया, अब चौधरी नहाने गया है। तो अभी थोड़ी देर बाद कुछ खाते हैं हल्का फुल्का और फिर चलेंगे शाम के वक्त पैंगोंग लेक की ओर, वहाँ जाके आपको दिखाएंगे उसकी उसको नज़दीक से थोड़ा सा। तो यार फाइनली हम लोग उठ गए हैं, थोड़ी देर सो गए थे यार थक गए बिल्कुल। तो फटाफट से पहुंच रहे हैं पैंगोंग लेक के किनारे और अब तो धूप चलेगी ऑलमोस्ट। ये देखो थोड़ा इस साइड में रुक जाते हैं यहाँ पे, फिर थोड़ी सी फोटोग्राफी करेंगे और बढ़िया सा बस बड़ी सी फोटोग्राफी करेंगे और फिर 2-4 रील वील बनाते हैं इंस्टाग्राम के लिए कुछ करना है यार, वो तो बंद ही हो गया बिल्कुल। तो आ गए उस पॉइंट पे जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, मूवी आप देखी होंगे 3 इडियट्स, 3 इडियट्स के बारे में आप कुछ कुछ देखिए, ये तो पहचानते होंगे आप। ऑल इज वेल, ये स्कूटर, स्कूटर जरूर पहचानते होंगे आप, ये ड्रम जिसमें नाया करते थे। चीज़ बताना भूल गया था, यहाँ पे चारों दिशाओं में अलग कलर के पहाड़ दिख रहे हैं। अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। फर्स्ट में देखो यहाँ पे बिल्कुल स्नो कैप माउंटेन्स हैं, ऊपर उस साइड देखो वहाँ पे बिल्कुल डेजर्ट और मिट्टी वाले पहाड़ हैं। इस साइड में देखोगे तो आपको थोड़ा स्नो पीक्स और थोड़े कटरीले पत्थर से दिखेंगे, वहाँ देखोगे आप तो ब्लू पहाड़ दिख रहे हैं, ब्लू पहाड़ के ऊपर आइस है। तो अपने आप में भी अजूबा ही है के हिसाब से, क्योंकि चारों तरफ में पहाड़ दिख रहा है, नेचर है वाकई में, क्या खूबसूरत जगह पैंगोंग। तो ये था पैंगोंग लेक गाइस, बेसिकली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे 4 बजे के आसपास, उसके बाद थोड़ी देर सो गए थे क्योंकि थक गए थे, एक डेढ़ घंटा सो गए थे। और उसके बाद फिर हमने दोबारा यहाँ लेक की ओर आए और बहुत ही खूबसूरत व्यूज है, बड़ी बड़ी फोटोग्राफी हम लोग यहाँ पे की। और बाकी आप आज की जर्नी आपने देखी, सबसे खतरनाक जर्नी आज की थी, मतलब लद्दाख, वाकई में लद्दाख, आज लद्दाख की हम लोगों ने ऐसा लगा हमें कि लद्दाख के अंदर कोई ऐसी जगह थी जहाँ हमें लगा कि एडवेंचर है आज वाकई में। वाटर क्रॉसिंग और रोड ख़राब, मिट्टी धूल, भाई बिल्कुल मत पूछो, कम से कम 50 से 60
70 किलोमीटर हमने लगभग लगभग बिल्कुल ऑफ रोड चलाई होगी बाइक, ये 100% मेरे को पता है, इतने चलाई हम लोगों ने। और यार ये था आज की जर्नी, बस बाइकर्स की लाइफ में ये कुछ है और क्या हो सकता है बाकी से ज़्यादा, ऑफ रोड रोड ऑन रोड यही चीज़ है। तो यही है जी आज आज के ब्लॉग में लगभग इतना आपने देखा। हम लोग सुबह नूबरा वैली से निकले, थोड़ा सा रास्ता भटके भी पहले कहीं और चले गए, रास्ता वही था बट वो बंद था, उसके बाद रास्ता लिया, फिर हम धीरे धीरे करके वाटर क्रॉसिंग करते हुए धीरे धीरे अपन यहाँ तक पहुँचे, अपना दुर्बुक होते हुए शोक रिवर होते हुए तो हम लास्ट में यहाँ तक पहुँचे हैं पेंगोंग तक। तो ये है यहाँ के खूबसूरत नज़ारे, यानी खूबसूरत नज़ारों के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं साथ में। और आई होप कि आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा, इसको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और शेयर जैसे कीजिए। और अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। कल हम यहाँ से निकलेंगे वापस लेह की तरफ, चांगलांगला पास होते हैं, वो भी 17,000 फीट में, तो कल भी एडवेंचरस डे होना है, बने रहेगा वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़।